murder was reported by a town. The reported location is mentioned. Why do you have to walk through this night? I can't be bothered to go through the annex. I want to finish my work soon and have a drink. So hey guys, welcome back to another video. तो मैं हूँ रॉबिन जो बना है मार्कस प्राउड और आज हम मर्डर की खोज में आए हैं इस मेंशन में जहाँ पे हमारे पीसी ने दे दिए जवाब और हमारा पीसी थोड़ा सा लैगी है पर गेम ही थीम ही ऐसी है तो टेंशन ना लीजिए हम पूरी गेम को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और एक हॉरर गेम है गाइस तो लाइक करना मत भूलिए दिस इज राइट डू इट व्हाट भाई क्या करना है हमें वो तो बता दे वैसे गेम की फील बहुत ही बढ़िया है गाइस सिर्फ अगर आप थोड़े से मेरे FPS को नज़रअंदाज कर दे तो ये गेम प्ले बहुत ही बढ़िया बन सकता है वैसे गंदी ड्राइंग कर रखी है भाई किसने गॉड इज माई वॉइस रीचिंग ठीक है भाई ये भी समझ में आ गया हमें तो ये दरवाज़ा खोलते हैं दरवाज़ा खोलने के लिए ई दबाया नहीं खुला तो ऐसी जगह में दरवाज़ा नहीं खुलते गाइस और इसी में ही सबसे बड़ी भलाई होती है हमारी क्योंकि भूतों के लिए तो ये बहुत मज़ेदार खेल हो जाएगा ना ई टू वॉच ट्यूटोरियल ओके भाई सी से नीचे जा सकते हैं हम वैसे ये क्या मुझे यहाँ पे कुछ दिख रहा है पापी गुड़िया का सर है भाई वो चलो हम थोड़ी पापी गुड़िया लेके घूमेंगे साथ में गेम को जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी हम कंप्लीट करने की कोशिश कर दें कुछ तो गिरा भाई चलो ऊपर चलो बस हो गया ना इतना भी सी से नहीं नीचे रहने का भाई वैसे यहाँ पे कुछ और भी लिखा है प्लीज गिव मी आंसर वेयर आर यू गिव मी प्लीज समवन बीन वॉचिंग फॉर एवर हाँ भाई तुम जैसे लोगों को सब देखते रहते हैं कोई पागल होगा भाई वो ये दरवाज़ा खुलने के बाद मुझे बहुत ही अजीब लगा भाई तो क्या हुआ हुआ पड़ा हुआ है क्या कहीं पे वैसे गेम बहुत ही बढ़िया लग रहा है मुझे इसमें इंटरेक्ट करने के लिए कुछ है नहीं और मुझे यहाँ पे एक लाल डिब्बा जैसा कुछ दिख रहा है इसे इंटरेक्ट कर सकता हूँ मैं इसे मैं रोटेट कर सकता हूँ इसे यस ई टू ओपन ओके इसे हमारे काम की चीज़ें तो इसे क्यू से टेक कर ले रहे भाई तो ठीक है हमारे पास आ चुका है एक वॉलपेपर निकल रहा है घर के पंखा चल रहा है भाई किसी का है इसे इसके ऊपर नाम नहीं गेस्ट रूम बहुत बड़ा मेंशन है गाइस तो इस हिसाब से तो गेस्ट रूम ही हुआ है इधर चलते हैं भाग के ये मुझे उस तरफ भी कुछ दिख रहा है पर हम उस तरफ भी चल के देखते हैं ना पहले ये क्या है भाई भाई इतने सारे क्रॉस और किसी ने क्रॉस को ही पकड़ के यहाँ पे फेंक दिया है उंगली दिख रही है गाइस उस पे तो मुझे किसी की देखो उंगली उस पे किसी ने अपनी उंगली कटवा के इसमें ठोक दी है भाई ये नकली है शायद से क्योंकि इसके नीचे खून नहीं है कुछ ठीक है इसे क्वाइट ठीक कर देते हमारे किसी काम की नहीं है और ये दरवाज़ा तो ओपन नहीं होने वाला है चलो फिर पीछे एक दरवाज़ा दिखा है हमें उसी की तरफ जाना चाहिए फिर ये वाला रूम तो हम देख चुके हैं और यहाँ से चलते फिर यहाँ पे कुछ ना कुछ होना चाहिए और यहाँ पे मिल सकता है हमें ये डोर लॉक है टैप से कुछ खुलेगा हमारे पास शायद से चाबी हो सकती है इसकी यस है चाबी हमारे पास है पर इसको ई से W से चूज करना पड़ेगा इसे चूज कर दे ना भाई ओके मैंने चूज कर ली इसको
अब ये दरवाज़ा खुल जाएगा भाई। ओके, दरवाज़ा खुल चुका है। यहाँ पे भूतनी की पेंटिंग्स, जो कि हमें समझ में नहीं आती है क्योंकि है मॉडर्न आर्ट। और मुझे तो यहाँ पे बहुत ही अजीब अजीब सी चीज़ें दिख रही भाई। ये मैनर है कि ओके, ये कुछ कह रहा है हमें, इसे देख लो, बोल रहा है कुछ। ओके, बुक्स को चेकआउट करना पड़ेगा क्या? फाइट करो, ये नहीं किस काम की। इसे चेक करो भाई। मैजिक सेंटिस्ट 1916, ये भी किसी काम की नहीं, ओल्ड बुक है बस। कुछ और जहाँ पे हमें चाबी वाबी मिल जाए कुछ। ओपन तो होता नहीं है, ये भी किसी काम का नहीं गाइस। कोई चीज़ें किसी काम की नहीं है। रेडिक, नथिंग, डिसअपॉइंटमेंट गाइस, एक बड़ी डिसअपॉइंटमेंट। हमें इस टेबल कुछ भी नहीं मिला है अभी तक तो ये गेम कहीं पे नहीं गई, पर हाँ यहाँ पे हाथ पंजा लगा हुआ है बस। बंद है दरवाज़ा, चलो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब हमें यहाँ से जाना चाहिए गाइस। Are you kidding me? Yeah, I'm here. The door is closed. Worth the drug. That has only to go back. तो हमें जाना चाहिए वापस, क्योंकि यहाँ पे कोई की नहीं है गाइस, पर यहाँ पे खून के धब्बे जा रहे हैं नीचे की तरफ, मतलब पीछे की तरफ। तो यहाँ पे कुछ नहीं है। पीछे से आवाज आई गाइस, मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है ना? देखो, इसका हैंडल नीचे हो चुका था और ये डोर खुल चुका है। और मुझे तो लगता है भूतनी आई भी होगी भाई। नीचे का ड्रॉर खुलते हैं? नहीं, जिसे मैं रिफ्लेक्शन नहीं। संडास में किसी ने जूता रखा है भाई, उस पे लिखा है टोटॉक्स टोटॉन। और बस यहाँ पे इतना ही। यहाँ पे ये वाला दरवाज़ा खोलते, नो वन एंसर द डोर इज लॉक। ये डोर लॉक है, हमारा कोई काम नहीं यहाँ पे। क्या ये डोर फिर से बजाना गया? इस मतलब किसी ने लॉक किया अंदर से भाई, मुझे किसी ने लॉक कर दिया है इसी बाथरूम में, और मैं तो बहुत ही डर गया भाई। अरे भाई खोल खोल दे भाई, भाई खोल दे भाई, दरवाज़ा खोल दे प्लीज। अरे बिली, अरे भाई Answer is no. What? Billy Butcher. The door. If you give back money, I lend to you. I want the money or the song. Please open it. Listen, I got your chance before as well, but you have not returned the money yet. After saying that you will read the letter, you know what it means. I'm so sorry, Billy. But I answer is no. Wait, Billy, wait. Billy Butcher, hey, भाई, तू यहाँ पे कैसे आ गया? क्या यहाँ पे भी सूप से? चलो ये तो कोई खुलने नहीं वाला। ये वाला खुल गया क्या? ये सब कुछ बंद हो चुका है। ओके, वो फिर से वो टॉयलेट का दरवाजा खुल चुका है गाइस, और मुझे लगता है हम वहाँ पे जा सकते हैं। ओके सॉरी गाइस, कुछ तो है पीछे, चेन में लटका हुआ है कुछ। ओके, कुछ नहीं, एक तिजोरी है पूरा एजेंसी पड़ी हुई। फिर इसे नॉक कौन कर रहा था भाई? ये क्या है? द सिंफुल किंग।
खुलता है लगता है यहाँ से। यू विल बी ओके बिकॉज यू आर काइंड पर्सन, बट आई एम मेड अ हिंट जस्ट टू मेक श्योर यू कैन थ्रो इट अवे, यू डोंट नीड इट फ्रॉम योर वरीड फ्रेंड फ्रेड। इसे रख लेते भाई, किसी काम में आ जाएगी। Creepy. I don't want to stay here. Maybe impossible, but I try to kick down the door. भाई ये क्या हो रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा, पर शायद से हमें किसी ने पागल बनाया है। इसे तोड़ना पड़ेगा लगता है। मारो लात एक और। यस Open it. आई थिंक आई गॉट इट मैन। ये देखो इसने लकड़ा लगा रखा था साले ने, इसने लकड़ा लगा दिया था भाई यहाँ पे। मैं क्या ही करूँगा इस लकड़े का। चलो वैसे वो कुछ तरफ गया भाई, मुझे मतलब ऐसा लगा कि वो इस साइड से आवाज आ रही थी, मतलब ये वाला डोर उसने खोल दिया होगा शायद। और हमारा बेसमेंट प्यारा प्यारा, क्योंकि हम जैसे नाकामयाब और खतरनाक काम करने वाले लोगों के काम आता है। तो मैं जा रहा हूँ बेसमेंट में बिना किसी सोचे समझे, क्योंकि एक बेवकूफ़ इंसान की निशानी है। और आगे मेरे सामने रास्ता देखो भाई, किसकी ना फट जाए ये देख के। ये लाइट लग गई होती Angry. अच्छी होगी। I should apologize by returning the borrowed money and never direct this again. बस कर ले भाई बस कर ले, यहाँ पे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा और तू क्या बातें कर रहे हैं। चलो इसको भी खोल ले भाई। ये क्या बुलबुली यह का Hey, डोर दिख रहा है भाई मुझे। where are you? चेन से भाई, इस पर किसी इतनी चेन्स लगा दी है, क्या पता क्या होगा इसी पीछे। कौन सा मॉन्स्टर लगा के रखा। और ऐसा एक नहीं, ये पीछे भी डोर है ऐसे ही। चलो आगे चलते हैं। यार क्या चल रहा है यहाँ पे भाई। और हमारा पीसी अब इसके आगे का गेम अच्छे से रन नहीं कर पा रहा है, पर फिर भी हम इसे कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। वैसे भी फ्री गेम्स में ऑप्टिमाइजेशन नहीं होती गाइस, और वैसे मेरा पीसी थोड़ा लो एंड है, कुछ ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3400G है और 8 GB रैम है, जिसकी वजह से ये गेम थोड़ा लैगी होता जा रहा है। और मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या खेल रहा हूँ यहाँ पर क्या हम गेम को कंप्लीट तो कर ही सकते हैं। मेरे हिसाब से गेम कंप्लीट करना ही हमारा पहला ये होना चाहिए अब ऑब्जेक्टिव। तो मैं गेम कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करता हूँ। Bad smell. ओ भाई यहाँ पे स्मेल आ रही है इसको, पर Where did हम we go? इसको मैं तो यहाँ पे कैंडल्स दिख रही है मुझे, क्रॉस वॉल दिख रहा है। ओल्ड फैशन डोर है, मुझे शायद से लग रहा है ये पजल है गाइस। सब कुछ बंद पड़ा हुआ है यहाँ पे। और देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई है, जैसे कि ओके एनवी ग्रीड, ओके तो हम इन्हें जला के देखते एक बार। यहाँ पे थोड़ा लाइट हो चुका है। ओके समझ में आ चुका है हमें, पहले ये वाली ये पढ़ना पड़ेगा तभी ये पजल सॉल्व होगी। ओके हाँ ठीक है। द सेवन नाइट्स आर माई डिवोशन टू ऑर्डर, प्लीज फॉरगिव माई सिन, द सिंफुल किंग, द किंग दैट आई थॉट वॉज द किंग ऑफ लुक टाउन एंड एवरीथिंग, विश टू मेक एवरीथिंग इन द वर्ल्ड हिज ओन। तो इसको लालच हो गया था। तो मुझे इसे सॉल्व करना पड़ेगा। इसे सॉल्व कर लेते हैं पहले। द किंग वॉज
पहले प्राइड आएगा उसका, फिर मर्चेंट केन है, तो इसको एनवी हुआ, फिर दिस वाज समथिंग कुड नेवर अलाउ, किंग जेलस जेलस एनवी तो समथिंग कुड नेवर अलाउ, द किंग वाज जेलस टर्न इनटू स्ट्रॉन्ग एंगर, एंगर आ जाएगा, फिर द ऑर्डर टू सोल्जर टू किल द मर्चेंट स्टेज एक्सीडेंट हाइडिंग द ट्रूथ फ्रॉम द किंग वेलकम द मर्चेंट पैरिस विद नोइंग दैट हैड ओके ओवर द टाइम किंग बिकम अफ्रेड ऑफ देयर एंड विश्ड फॉर इटर्नल लाइफ टू अचीव दिस किंग इट मेनी फूड एंड वेरियस काइंड ऑफ मेडिसिन ऑब्टेन इटर्नल लाइफ एंड नाउ फैट किंग I did before long kingdom was disturbed by another. ओके तो पता चल चुका है हमें क्या है इसका. तो पहला इसको प्राइड थी, ये देखो प्राइड, फिर इसको एनवी हुआ, नहीं फिर ग्रीड, ग्रीड हुआ, फिर एनवी हुआ, फिर लस्ट, रैट नॉट ये साला प्राइड एन एनवी प्राइड को चलाना पड़ेगा. प्राइड को चलाने के बाद हमें एनवी चलाना पड़ेगा, फिर हमें चलाना पड़ेगा, नहीं, हमने गलती कर दी है, ग्रीड चाहिए था पहले, तो इसे बुझा दो, ग्रीड को चालू करो, फिर एनवी को चालू करो, फिर रैथ, रैथ को जलाओ, फिर लस्ट, फिर इसको डर लगने लगा तो प्लूटोनी, और आखिर में बचे स्लॉट बस, और ये अपने गेम प्ले हो. तो मेरे सामने भूत है भाई खड़ा हुआ, ये देखो ये क्या मेरे सामने चंदा, इसका भी कपड़ा हटा के देख लो भाई कुछ हो इसके अंदर. ओके अ प्लेट विद द मून एंड स्टार आई थिंक वी हैव सॉ समथिंग सिमिलर टू द मेंशन, एक कर लेते फिर इसको. ठीक है हमारा काम ये टेक लेना है, इसका सब कुछ ले लेना है भाई, खून के डब्बे है या कुछ और ही है हमें नहीं पता. ओ भाई साहब ओ भाई इतना जम्प स्केयर, मैं कहाँ पे जा रहा हूँ मुझे भी नहीं पता, कुछ दिख नहीं रहा गाइस. यू हैव टू टर्न ऑन फ्लैशलाइट. ओ भाई ये क्या था बे, चलो यहाँ से सीधे चलते भाई. ओ भाई मैं तो डर गया भाई, भूत ने डरा दिया हमको, ऐसे में कर क्या रहा हूँ यहाँ पे ये नहीं पता मुझे. चलो भाई साहब मेरे ऊपर गिर रहा है भाई, ये सारे घर में के भूत मेरे ऊपर ही चिपटने वाले हैं क्या, ऐसा मत करो यार. पहले गेम की ग्राफिक्स अच्छे पर मेरा पीसी इतना हैंडल नहीं करता,
मुझे डर लगता है भाई, वैसे ही है किसी में, मुझे समझ भी नहीं आ रहा मुझे क्या हो रहा है भाई। इतना स्लो में जा रहा हूँ कोई कुछ आ ना जाए साले खिड़की से। वैसे गेम तो मस्त बनाई है भाई ने, वो डरावना जंप स्केयर बहुत बढ़िया था गाइस, मुझे तो डर लग गया उससे। उसकी शॉट बनाऊंगा मैं ज़रूर, जिन्होंने गेम प्ले ना देखा उनको भी पता चल जाएगा भाई। James, Rex, anyone there? अरे भाई खोल दे इस डोर को। अरे Please, please help me. क्या करूँ मैं बता भाई, कुछ इंस्ट्रक्शन दे मुझे, कुछ नहीं खुल रहा भाई। द डोर वॉन्ट ओपन इफ यू आई पुश और पुल, स्ट्रॉन्ग फोर्स इज होल्डिंग इट क्लोज। ओके तो फिर मैं क्या करूँ, वापस जाओ क्या? वापस जाना पड़ेगा हमें, चलते हैं वापस अपनी ही जगहों पे जहाँ पे हमें डर लगा था भाई। वो क्या है, कुछ तो निकल के आया भाई वहां से। फंस गए भाई अपन यहाँ पे, अपन को समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। अब क्या करूँ, जैसे जीसस की फोटो थे यहाँ पे, पर अब क्या करूँ मैं भाई, ये तो बता दो। अरे दारू वाले तो पलट रखी है यहाँ पे, पर ये भाई वियर्ड गेम है भाई, बहुत ज़्यादा वियर्ड गेम है। ये ताले वाले दरवाजे तो खुले भी नहीं है, चलो तो एक बार वो दरवाज़ा खोल के देखते हैं, कुछ वो शायद से हमारे पीछे।